नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न में बनने वाले एक राजयोग के बारे में जो मंगल ग्रह के द्वारा बनता है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो शुभकारी होते हैं। अब मंगल ग्रह कुछ ऐसी स्थितियों में होते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत ही अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, राजयोग का फल देने वाले होते हैं। तो जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति होती है तब मंगल ग्रह जो है वो राजयोग का फल देते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक तो कर्क लग्न की कुंडली जो है वो सबसे बेस्ट कुंडली होती है, सबसे अच्छा लग्न होता है कर्क लग्न। और कर्क लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। और मंगल ग्रह जो है ये जन्म कुंडली में आप देखेंगे ये भाव जो है वो लग्न भाव है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर यानी कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में 4 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली जो है वो कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। अब मित्रों, हम इसमें बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह जो है वो शुभ फल प्रदान कैसे करेगा, राजयोग के समान फल प्रदान कब करेगा, ऐसी कौन सी स्थिति में होगा तब वो शुभ फल प्रदान करते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कारण के बारे में। तो मंगल ग्रह जो है वो कर्क लग्न की जन्म कुंडली में पंचमे से और दसमे से, यानी ये पंचम भाव है जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, और पंचम भाव का स्वामी है यहाँ पर मंगल ग्रह। पंचम भाव 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। इसके साथ ही मंगल ग्रह जो है वो मेष राशि के भी स्वामी है। 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है मंगल ग्रह को, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो पंचम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल ग्रह। उसके बाद दसम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, और 1 नंबर यानी मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी है मंगल ग्रह। अब मित्रों, पंचम भाव जो है वो विद्या का भाव है, यानी ज्ञान का भाव, बुद्धि का भाव कहलाता है, विचार और मंथन का भाव कहलाता है पंचम भाव। इसके बाद दसम भाव जो है वो केंद्र भाव है, कर्म भाव है, व्यक्ति की कार्य नीति के बारे में जानना है कि व्यक्ति कार्य कुशलता कैसी है, तो हम दसम भाव से विचार करेंगे, यानी दसम भाव जो है व्यक्ति की आजीविका बताने वाला भाव है। तो ये हो गया कर्म भाव, और ये हो गया शिक्षा का भाव, बुद्धि का भाव। तो इन दोनों के स्वामी हैं मंगल ग्रह। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में पंचम भाव जो है वो त्रिकोण भाव कहलाता है, शुभ भाव है, और दसम भाव जो है वो कर्म भाव है, और केंद्र भाव है ये भी एक शुभ भाव है। तो 2 शुभ भावों का स्वामी यहाँ पर होता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो है, अब मंगल ग्रह कर्क लग्न की जन्म कुंडली में स्वग्रही हो यानी मेष राशि में बैठा हो, यानी दसम भाव में बैठा हो, या अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि यानी पंचम भाव में बैठा हो, या फिर अपनी उच्च राशि मंगल ग्रह जो है वो 10 नंबर यानी मकर राशि में उच्च का होता है, तो 10 नंबर यहाँ पर होता है सप्तम भाव में। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में 10 नंबर होता है सप्तम भाव में, यानी मंगल ग्रह सप्तम भाव में बैठा है तो भी यहाँ पर यह राजयोग का फल देगा, क्योंकि 10 नंबर जो है वो मंगल के लिए उच्च राशि होती है। तो मित्रों, कर्क लग्न की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अगर स्वग्रही है यानी वृश्चिक राशि में है, या मेष राशि में है, या फिर अपनी उच्च राशि यानी 10 जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो मंगल ग्रह के लिए उच्च राशि है, यानी सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठेंगे, तो ऐसे में मंगल ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। इसके अलावा अगर केंद्र भाव में लग्नेश, यहाँ पर लग्न भाव का स्वामी होता है चंद्रमा, तो केंद्र भाव में लग्नेश चंद्रमा के साथ में बैठ जाए तो भी मंगल ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। अब मित्रों, इसके बाद आपको देखना है मंगल ग्रह की और चंद्रमा की डिग्री जो है वो 5 डिग्री से 25 डिग्री तक का होना चाहिए, तभी ये शुभ फल प्रदान करेगा। और मित्रों, जिनके जन्म कुंडली में ऐसा शुभ योग बनेगा वे व्यक्ति कीर्तिवान होते हैं, बुद्धिवान होते हैं, अपनी शिक्षा से ही वे कार्य क्षेत्र को चुनते हैं, समाज में अपने कार्य से अपने नाम को रोशन करते हैं, ऐश्वर्यवान बनते हैं। तो ये योग जो है कर्क लग्न की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के द्वारा बनता है। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर,
धन्यवाद।